हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम करंट अफेयर्स फॉर द सेकंड वीक ऑफ जुलाई पार्ट टू आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हमने इसी वीक का पार्ट वन आपके लिए दो तीन दिन पहले आपके लिए हमने एक वीडियो बनाकर दी थी, तो आज हम इसका पार्ट टू हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पेज पर आपको मिल सके। सो लेट्स बिगिन। रिसेंटली स्पेशल राइनो कंजर्वेशन फोर्स हैज़ बीन डिप्लॉयड इन विच नेशनल पार्क। हाल ही में विशेष राइनो संरक्षण बिल किस राष्ट्रीय उद्यान में तैनात किया गया? सरिस्का नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट गार्डन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। Then next, which state government has recently announced the Daman Ganga Pinjal River Link project? हाल ही में दमन गंगा पिंजाल नदी लिंक परियोजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, which state government has recently introduced 1076 CM helpline number? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1076 CM हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट हाउ मेनी परसेंट ऑफ रूरल क्लीनलीनेस कवरेज हैज़ रीच्ड? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता कवरेज कितने प्रतिशत तक पहुंची है? 99%। Recently, the government of India has announced the release of the coin. हाल ही में भारत सरकार ने कितने रुपए का सिक्का जारी करने की घोषणा की है? 20 rupees, यानी 20 रुपए का आगे सिक्का आने वाला है। Which of the world's airport has recently approved Indian rupee? हाल ही में दुनिया के किस एयरपोर्ट ने भारतीय रुपए को स्वीकृत दी है? दिल्ली दुबई एयरपोर्ट ने। हु विल बी गिवन द 2019 ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में 2019 ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो वो अजय बेंगा और अजीम प्रेम जी, इन दोनों को ये अवार्ड आगे दिया जाएगा। हु हैज रिसेंटली बिकम द 5th कंट्री टू एंड मिसल्स इन साउथ ईस्ट एशिया? हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा को समाप्त करने वाला पांचवां देश कौन बनेगा? तो ये श्रीलंका होगा। विच मेडल वन बाई दूती चंद इन समर यूनिवर्सिटी गेम्स रिसेंटली? हाल ही में समर यूनिवर्सिटी गेम्स में दूती चंद ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल इसका करेक्ट आंसर है। वेयर हैज़ द फेमस खर्ची पूजा फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में प्रसिद्ध खर्ची पूजा त्यौहार कहाँ शुरू हुआ? ये त्रिपुरा में शुरू हुआ। रिसेंटली वेयर इज द सेकंड इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग स्टार्टेड? हाल ही में दूसरी भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो ये न्यू दिल्ली में शुरू हुई। विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2020? हाल ही में 2020 में विश्व विरासत समिति के अगले सत्र में मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये चाइना करेगा। हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस प्लेस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स? हाल ही में दुनिया का सबसे महंगा कार्यालय स्थल किसे घोषित किया गया? तो इसका जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। Which country will host the 14th COP of UNCCD recently? फोर्टींथ COP COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ऑफ UNCCD का मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डिजर्टिफिकेशन। यह मैंने इसकी फुल फॉर्म्स वगैरह दी हुई हैं। हाल ही में UNCCD के 14वें COP में मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इंडिया। रिसेंटली ए वाई सिल्स्टाइन डाइड हुआ जी। हाल ही में
एयू सिल्स्टाइन का निधन हुआ वो कौन थे, वो एक फुटबॉलर थे। तो ये थे सेकंड वीक जुलाई पार्ट टू के करंट अफेयर्स। होप आपको ये पसंद आए होंगे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।